आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने फेसबुक के सेटिंग के अंदर यानी कि जब आप अपने फेसबुक के अंदर अपना सेटिंग ओपन करते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आखिरकार प्रोफाइल यानी कि फेसबुक के सेटिंग के अंदर प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग कैसे यूज करते हैं और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इन्हें सारे के सारे ऑप्शन को कैसे यूज किया जाता है वही मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल्स में पता चलने वाला है आखिरकार प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग के बारे में। तो अगर आप भी इसे डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो चलो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब यहां पे आपको करना क्या है, अपने फेसबुक के अंदर आपको यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है या आपको फेस वाले के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपका सारा का सारा सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, जैसे आप नीचे आएंगे यहां पर देखने को मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारा सेटिंग ओपन होकर आ जाएगा और यहां पर नीचे आने के बाद यहां पे आपको देखने को मिल जाता है प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं तो आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पे आपको करने का है, सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पे देखने को मिलेगा व्यूइंग एंड शेयरिंग का ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है Who can post on your profile? यानी कि इसका मतलब क्या है, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिलेगा आपकी प्रोफाइल पर कौन पोस्ट कर सकता है। जैसे तो आपको यहां पे देखने को मिल चुका है कि इस सेटिंग का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल पर कौन पोस्ट कर सकता है। जैसे कौन सा पोस्ट, जैसे तो आप लोगों को आपके दोस्त लोग टैग करते हैं तो जब टैग करते हैं तो उनकी पोस्ट आपके प्रोफाइल पर अपलोड हो जाती है। तो यहां पर आप ये चूज कर सकते हैं कि जो लोग आपको टैग करें उनकी पोस्ट आपके प्रोफाइल पर अपलोड होना चाहिए या नहीं, अपने आप से यहां पे मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ओनली मी पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद बैक करना है, यहां पे देखने को मिलेगा हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिलेगा कौन देख सकता है कि दूसरों को आपकी प्रोफाइल पर क्या पोस्ट करें, यानी कि इसका यह मतलब है। जैसे तो आपके प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे आप लोगों को यानी कि आपको टैग करते हैं आपके फ्रेंड लोग तो उनकी पोस्ट आपके यानी कि प्रोफाइल के अंदर पोस्ट हो जाती है, तो उस पोस्ट को कौन कौन देख सकता है, यानी कि दूसरे लोगों की जो पोस्ट आपके प्रोफाइल के अंदर होती है यानी कि यहां पर टैग करने पर, तो उस पोस्ट को कौन कौन देख सकता है आपके प्रोफाइल के अंदर, उसे यहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। जिसे आप दिखाना चाहते हैं उसे यहां आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद यहां पे देखने को मिलेगा अलाउ अदर टू शेयर योर पोस्ट ऑन दियर स्टोरी, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिल जाता है दूसरों को अपनी पोस्ट को अपनी कहानी में साझा करने दे, यानी कि इसका यह मतलब है। जैसे अपने प्रोफाइल पे आप बहुत सारी पोस्ट अपलोड करते हैं, पोस्ट यहां पे यानी कि कोई फोटो वीडियो अपलोड करते हैं, तो यहां पे आप ये मैनेज कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट को कौन कौन बंदा यानी कि आपके फ्रेंड लोग अपनी स्टोरी में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पे आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, दो ऑप्शन ऑन और ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर यस करना चाहते हैं आपकी पोस्ट स्टोरी यानी कि पोस्ट आपकी पोस्ट जो भी हो आपके फ्रेंड लोग अपने स्टोरी के अंदर लगा लें तो यहां पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद बैक आना है, यहां पर देखने को मिलेगा टैगिंग सेटिंग। तो टैगिंग सेटिंग के अंदर आपको देखने को मिलता है हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर प्रोफाइल, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे आपको दिखाई देता है इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिलेगा आपके प्रोफाइल में टैग किए गए पोस्ट कौन कौन देख सकता है, तो यानी यहां पे आपको ये देखने को मिल जाता है कि आपकी प्रोफाइल में यानी कि जितने सारे आप यहां पे यानी कि देखने को मिलेगा आपकी प्रोफाइल में टैग किए गए पोस्ट कौन कौन देख सकता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों को कोई दूसरा बंदा टैग करता है तो उसकी फोटो आपके मोबाइल फोन के अंदर यानी कि आपके प्रोफाइल के अंदर अपलोड हो जाती है और आप किसी को जब टैग करते हैं तो उसकी भी पोस्ट यानी कि आपके प्रोफाइल के अंदर अपलोड हो जाती है। तो जिन पोस्ट को आप टैग करते हैं, जिन पोस्ट के अंदर अपने फ्रेंड लोगों को टैग करते हैं, तो वो पोस्ट कौन कौन बंदा देख सकता है यहां पर आप उसे चूज कर सकते हैं। जैसे आपने अपने एक पोस्ट के अंदर आपने बहुत सारे फ्रेंड को टैग किया तो उस पोस्ट को कौन कौन देख सकता है उसे यहां पे मैनेज कर सकते हैं। यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जिसे आप चूज करना चाहते हैं चूज कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा
एक ये सेटिंग देखने को मिलाती है। तो यहाँ पे मैं इसका सीधा हिंदी अर्थ दिखा देता हूँ। तो देखने को मिलेगा जब आप एक पोस्ट में टैग किए जाते हैं तो आप पोस्ट के दर्शक में कौन जोड़ना चाहते हैं यदि वे पहले से ही नहीं देख सकते हैं। यानी कि इसका ये मतलब है जैसे आप किसी भी पोस्ट के अंदर टैग किए गए और उस टैग के अंदर जैसे 10 से 12 लोग को उस बंदे ने टैग किया, आपके फ्रेंड ने, और उसमें आपको भी टैग कर दिया, तो क्या होगा कि आप उस टैग के अंदर यानी कि उस पोस्ट के अंदर आप ये मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे आप एक सेटिंग सकते हैं अपने अकाउंट पर, हर बंदा कर सकता है कि जिस पोस्ट को मैं टैग करूं उसे कौन कौन देख सकता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा जिस पोस्ट के अंदर आप टैग किए गए हैं उस पोस्ट के अंदर जितने लोग टैग हैं उनमें से किसी को अगर पोस्ट देखने को नहीं मिलती है जिस पोस्ट के अंदर वह टैग किया गया है तो आप उसे यहां पर मैनेज कर सकते हैं कि आखिरकार उस बंदे को देखने को मिले या नहीं मिले। तो यहां पर आप भी मैनेज कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और उसके बाद अपना चूज कर सकते हैं। उसके बाद बैक आना है। जैसे बैक आएंगे यहां पे देखने को मिलेगा रिव्यूमिंग का ऑप्शन, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे देखने को मिलता है इसका मतलब क्या है, तो यहां पे मैं इसे यानी कि हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। तो यहां पे देखने को मिलेगा टैग की समीक्षा करें कि पोस्ट पर टैग दिखाई देने से पहले लोग आपकी पोस्ट में जुड़ते हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जैसे आपको कोई बंदा टैग करता है तो टैग करने से पहले वह पोस्ट आपके प्रोफाइल में अपलोड होने से पहले आप उस टैग की समीक्षा कर सकते हैं, यानी कि अप्रूव कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं जब वो आपकी पोस्ट आपके फ्रेंड ने आपको टैग किया उस पोस्ट के अंदर तो वह पोस्ट आपके प्रोफाइल के अंदर अपलोड होने से पहले आप ये पता लगा सकते हैं कि उस पोस्ट के अंदर कितने लोग टैग हैं, आप समीक्षा कर सकते हैं। तो यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑन करने का ऑप्शन, आपको इसे ऑन कर देना है। उसके बाद आप उस पोस्ट को समीक्षा कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा रिव्यू बार, डियर पीपल सी यू ऑन योर प्रोफाइल, यानी कि यहां से अपना प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद देखने को मिल जाता है रिव्यू पोस्ट दैट, यानी कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे मैं आपको सीधा हिंदी अर्थ दिखाता हूं। तो देखने को मिलेगा आपकी प्रोफाइल पर पोस्ट होने से पहले आपके द्वारा टैग किए गई पोस्ट की समीक्षा की जाएगी, समीक्षा। यानी कि इसका यह मतलब है, अभी इसका मतलब यह था कि जब आपके दोस्त लोग आपको किसी भी पोस्ट में टैग करेंगे, जितने भी टैग करेंगे जितने भी लोगों को, उसकी समीक्षा कर सकते हैं। और यहां पर यह है कि अगर आप यहां पर अपने फॉरेन लोगों को टैग करते हैं, टैग करने के बाद पोस्ट को अपलोड करते हैं तो अपलोड होने से पहले फिर से आपके पास एक अप्रूव आ जाएगा कि आप फिर से अपने सारे के सारे फ्रेंड को चेकआउट कर सकते हैं जिन लोगों को आपने टैग किया है। तो अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करना चाहते हैं अपने लिए, अपने प्रोफाइल के लिए, तो आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं, इसे आपको इनेबल कर देना है। तो ऐसे दोस्तों आपने फेसबुक के अंदर प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग को पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर आपको पूरा डिटेल्स में पता चल गया होगा कि आखिरकार फेसबुक के अंदर प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।